हेलो वाचर्स, आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो तो देखी है, बहुत पसंद भी किया है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और डेडपूल इन अ नटशेल पार्ट टू को देखते हैं, जिसमें डेडपूल सुनाएगा अपनी कहानी और दिलाएगा दुश्मनों को याद नानी। सो नो मोर बकवास, लेट्स स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करो वरना। पिछली वाली वीडियो देखे हो तो जानते ही होगे, और अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को देखो यार। लेकिन इस वीडियो के बाद तो पार्ट टू में हीरोइन मिल जाने के बाद डेडपूल फुल टाइम मर्सनरी बन जाता है, बोले तो मार कुटाई करने वाला बन जाता है। जैसे मुर्दा से जिंदा होकर, शीशे की दीवार फोड़कर, स्टंट करते हुए बार में नचनिया बनकर। लेकिन दोस्तों, डेडपूल सिर्फ नाचता नहीं है बल्कि नचवाता भी है, खुद ही देख लो। माना सल्लू भाई से अच्छा नहीं किया, मगर डेडपूल भैया ने किया नहीं है बल्कि करवाया है। लेकिन इसी बीच डेडपूल नहीं कर पाया एक काम पूरा, मिस हो गया एक टारगेट, रह गया काम अधूरा, क्योंकि उसके पास थे बहुत लोग यार। तो डेडपूल भागा इंतकार, जहाँ पे डॉपिंडल कर रहा है उसका इंतजार, क्योंकि जब भी जाता है डेडपूल किसी को मारने तो होता है डॉपिंडल उसकी कार में, मतलब डॉपिंडल की कार में डेडपूल होता है। तो आया डेडपूल घर वापस थक हार के, तो वेनेसा ने किया डेडपूल का स्वागत बड़े प्यार से। प्यार से दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि वो मिसिंग टारगेट याद है ना, वो आया घर पर डेडपूल को मारने, जहाँ पर डेडपूल का हुआ डर से सामना, क्योंकि लग गई गोली वेनेसा को और बिगड़ गया पूरा मामला। लग गई डेडपूल के दिल में चोट, गोली लगने से हो गई वेनेसा की मौत। इसके बाद गया डेडपूल टूट, नहीं रहता है उसका ठीक मूड, चाहता है वो सिर्फ खुद को मारना, नहीं मार सका तो हो रहा है डिप्रेशन से सामना। इसके बाद डेडपूल करता है बार बार लगातार मरने की कोशिशें हजार, एक बार तो खुद को उड़ा भी लेता है यार, जिससे हो जाते हैं उसके बॉडी के टुकड़े हजार। मगर यार डेडपूल ऐसा म्यूटेंट है जो अपनी एक छोटी सी कोशिका से भी जिंदा हो सकता है, तो हर बार जिंदा हो जाता है। तो आया क्लॉसिस, उठाकर डेडपूल को ले गया जेवियर मेंशन वापस। क्लॉसिस चाहता है डेडपूल को मूव ऑन कराना, अच्छा उसको बनाकर चाहता है एक एक्समैन बनाना। क्लॉसिस का दिल है लोहे का, इसीलिए वो नहीं है जानता जब किसी का छूट जाए प्यार तो मूव ऑन करने को दिल नहीं मानता। और इस बेचारे की तो गर्लफ्रेंड ही चल बसी है, मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। खैर आगे बढ़ते हैं, सभी डेडपूल को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे कि आया एक मौका जहाँ डेडपूल खुद को साबित करके लगाएगा चौका। तो पहुंचा डेडपूल मेगासोनिक क्लॉसिस के साथ, जहाँ एक म्यूटेंट बच्चा लगा रहा है हर तरफ आग। आग लगा दी। आते ही बच्चा बोला, मेरे पास आना नहीं क्योंकि मैंने हर जगह आग लगा दिया। निकाल के अपनी कटाना ऐसा मारा हमारे डेडपूल ने कि बच्चे को वहीं पे गिरा दिया। लेकिन बच्चे में डेडपूल भैया ने देखा कुछ खास, इसीलिए गए वो उसके पास। उसके गले में तो चोट के निशान, जिसके लिए जिम्मेदार है केवल एक ही इंसान, जो कि अनाथ आश्रम को चलाता है। तो डेडपूल भाई तो हमेशा ही अपने दिल की सुनते हैं, और वैसे भी उनका दिल तो टूटा हुआ है। तो निकाला बंदूक और मार दिया उसके चमचे को, और उस पे भी चलाई गोली, लेकिन बच गया साला। जो नहीं चाहता था क्लॉसिस, डेडपूल तो वही करता है, इसीलिए अब बच्चे के साथ डेडपूल को भी म्यूटेंट वाले जेल में जाना पड़ता है। यहाँ पर उन दोनों को एक पट्टा पहनाया जाता है जो कि म्यूटेंट की शक्तियों को रोकती है, और उसको खोलने की कोशिश करो तो खतरनाक फटती है बॉम्ब। और इधर दूसरी तरफ केवल वाले भैया केवल डिश टीवी वीडियो कॉन एंटेना नहीं यार, इनका नाम ही केवल है, जो कि फ्यूचर में टर्मिनेटर टाइप आदमी है, मतलब फ्यूचर में। दरअसल उसके बच्चे को यही मोटू बच्चा बड़े होकर मार देगा, इसीलिए वो टाइम में अपनी टाइम मशीन से आया है, ताकि इस बच्चे को मार सके जो कि बड़ा होकर उसके बच्चों को ना मार पाए, जिससे उसके बच्चे जिंदा रह सके। अरे यार लगता है मैंने कन्फ्यूज कर दिया। अरे मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गया हूँ यार, बच्चा बच्चा करते करते, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। सीधा सीधा समझो, फ्यूचर में ये मोटू बच्चा बड़े होकर उसके बच्चों को मार देगा, इसीलिए वो टाइम में वापस आया है। इधर जेल में मोटू के साथ डेडपूल की भी हो रही है बहुत पिटाई, क्योंकि पट्टे की वजह से पायर हुई गायब, तो डेडपूल के सर पे शामत आई। लेकिन तभी आया केबल और कर दिया हमला, झगड़े में टूट गया डेडपूल का पट्टा, तो अब वो पहले की तरह ही हो गया बावला। तो गाइस आगे लड़ते लड़ते डेडपूल और केबल जेल से बाहर आ जाते हैं। डेडपूल कुछ देर पानी में बेहोश हो जाता है, मगर जब वो उठता है
है तो उसकी पावर्स वापस आ चुकी होती है, क्योंकि पट्टा तो टूट चुका है ना यार। इधर मोटा जेल में ही रह जाता है और खतरनाक जायंट म्यूटेंट से दोस्ती कर लेता है। इस दोस्ती के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इधर डेडपूल बहुत सारे सुपर हीरोज को टीम में शामिल करता है मोटू को बचाने के वास्ते, लेकिन टीम तो मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाई और लग गए सभी के रास्ते। प्लान के मुताबिक डेडपूल हमला करता है उस गाड़ी में जिस गाड़ी में मोटू को ले जाया जा रहा था, लेकिन डेडपूल ने उम्मीद भी नहीं की थी कि साला केवल भी मोटू के ही इंतजार में था। इसके बाद डेडपूल भैया खतरनाक तरीके से स्कूटी दौड़ाकर उड़ी मारकर केवल भैया से लड़ने लग जाते हैं, जहां पर बिल्डिंग से मार के छला केवल भैया भी आ जाते हैं। सामने आते ही डेडपूल बोलता है, उस बच्चे से दूर रह सकते टर्मिनेटर। और आगे डेडपूल भैया केवल से लड़कर अपनी कटाना स्वॉर्ड चलाकर केवल भैया की गोलियों से भी बचकर, हालांकि सारी गोलियां उनमें ही छेद कर रही थी। इसी बीच एक म्यूटेंट खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके गले का पट्टा भी टूट जाता है। वो मोटू की दोस्ती याद है ना, ये वही दोस्त है, और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि जगरनॉट है। कितना बड़ा है रे ये मौशीची। आ बकवास सुनकर डेडपूल को उसके पीछे ही फाड़ देता है। इसके बाद केवल भैया भी उठकर चले जाते हैं और डेडपूल को डोमिनो उसके घर पहुंचाती है। घर पर अब डेडपूल के वापस उग रहे हैं लेक्स डबल, लेकिन मीटिंग के बीच में इंटरप्ट करने आ गया है केबल। अरे राइम नहीं हो रहा था यार, इसीलिए इसे फालतू लाइन से लिखनी पड़ती है। जहां पर केवल भैया बताते हैं कि जगरनॉट जैसे दानव को वो अकेले नहीं मार पाएंगे, इसीलिए मोटू और जगरनॉट को मारने के लिए वो डेडपूल और टीम की मदद चाहेंगे। बोलता है डेडपूल वो साथ देगा भरपूर, लेकिन वो मोटू को मारेगा नहीं बल्कि समझाएगा। शायद हो सकता है कि कुछ इस तरह ही वो उसे बदल पाएगा, क्योंकि अब मोटू स्कूल में जाकर जहां वो पढ़ रहा था लेना चाहता है बदला, क्योंकि उसे वहीं पे प्रताड़ित किया गया था। तो यार समझ रहे हो ना, वो बदला बदला खेल रहा है। हमका चाहिए बदला। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि डेडपूल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो वेनेसा की मौत की वजह खुद को मानता है। अगर वो मर्सनरी नहीं बनता तो आज वेनेसा शायद जिंदा होती। इसीलिए डेडपूल चाहता है मोटू बच्चे को समझाना, केवल भैया की गोली से मोटू कॉलिंग्स को बचाना। आगे जगरनॉट और मोटू बच्चा स्कूल में आतंक मचाते हैं, इसीलिए डेडपूल और टीम उसे रोकने स्कूल में पहुंच जाते हैं। आगे शुरू होती है फाइट। मामला हो जाता है बहुत टाइट, क्योंकि यार एक तरफ जगरनॉट है जो फाड़ के रख देगा अगर तुमने की उसे मारने की कोशिश, लेकिन मौसीची ये कौन आ गया कलोसिस। इसके बाद एक स्पेशल इफेक्ट वाली फाइट होती है जहां पर ऑब्वियसली जगरनॉट कलोसिस को पेलने लगता है। कोलोसिस को समझ के बच्चा उसके साथ खेलने लगता है, मगर तभी आई मेगासोनिक। मेगासोनिक और कोलोसिस ने मिलकर जगरनॉट को दिया मार। साले जगरनॉट के पिछवाड़े में भी डाल दिया वोल्टेज वाला तार। इससे ज्यादा मायने दिखा सकता है क्या? वरना यूट्यूब वाले कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत वीडियो को उड़ा के रख देते हैं, समझे बच्चे। इधर दूसरी तरफ डेडपूल मोटू बच्चे को खूसट बुड्ढे को मारने से रोक लेता है, देकर थोड़ा सा ज्ञान उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके तन बदन की अग्नि भड़क उठी थी। बोले तो यार वो तो बदला लेकर ही रहेगा, बार बार समझाने के बावजूद भी साला मोटू अब नहीं रुकेगा। लेकिन इधर केबल भी रुकना नहीं चाहता है, क्योंकि समझ जाता है कि लौंडा तो नहीं समझेगा, इसीलिए वो गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन फैसला करता है डेडपूल, डाल के अपने गले में पट्टा लगाएगा वो मोटू पे सट्टा, क्योंकि उसे है यकीन कि वो उसे समझा सकता है। इसीलिए जो गोली चलाई थी केबल ने, उस गोली को डेडपूल ने ले लिया अपने सीने में, जिससे हो जाता है छेद डेडपूल के सीने में। मरते मरते डेडपूल बोला, देख यार अगर तू भी उस खूसट बुड्ढे की तरह ही बन जाएगा तो क्या मजा है जीने में। बोले तो तू उसको मार के वही बन जाएगा जो वो तुझे बोला करता था, इसीलिए तू वो मत बन बल्कि उससे अच्छा बन और साबित कर दे कि तू उससे बेहतर है। ये देख के मोटू उसके लिए कोई ले सकता है चोट, सिर्फ उसे बचाने के लिए कोई जान देकर अपना सकता है मौत। ये सब कुछ देखकर मोटू का दिल भर जाता है और हर साला मोटू भी अच्छा बन जाता है। केबल के पास उसके बच्चे की एक जला हुआ टेडी बियर था, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अफसोस इधर डेडपूल भैया मर जाता है, तो केबल भैया टाइम में पीछे जाकर डेडपूल के सीने में कॉइन छिपा देते हैं, ठीक उसी जगह जहां पर गोली लगी थी। तो इस तरह वापस जब ये घटना होती है तब गोली उसके सीने में लगती है और वो बच जाता है, और कुछ इस तरह सब कुछ अच्छा हो जाता है। मगर केबल की घड़ी सुनने में अजीब लगता है ना, मगर यही है, खराब हो गई थी वही टाइम वाली घड़ी। तो बाद में उसको मेगासोनिक और उसकी माल मतलब है कि गर्लफ्रेंड हाँ यार, उस बंदी ने एक बंदी पटाई है लिटरली। देख रही हो ना बॉसू,
अमेरिका में ये तो आम बात है। दोनों घड़ी को ठीक कर देते हैं तो डेडपूल भैया पास्ट में जाकर वेनेसा को बचाकर पुराने वाले डेडपूल को उड़ाकर, हाँ हाँ यही वीडियो वाला, नहीं देखा है तो जाकर देखो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी। इसके बाद अरे बस करो यार, इसके बाद बच्चे की जान लोगे क्या? आखिरी बार कहा था कि बीवी को खुश करो और खुश रहो, याद है ना? आज एक और एडवाइस देता हूँ, जाओ यार खाना भी बनाओ और मिटाओ भूख जिस्म की। अरे मेरा मतलब है कि बाय गाइस, सायोनारा। जा रे।